नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, हम मौजूद हैं रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में। यहाँ पर हमारे साथ प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूं उसके पहले आपको बताऊं, पिछले साल यहाँ जो भी पेशेंट एडमिट किए गए थे वो बहुत जल्द ठीक हो गए थे। आपने पूरे शहर में काढ़ा भी बांटा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यही जानने समझने के लिए हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, पिछले बार जिस तरीके से आपने काढ़ा बांटा था, इस बार शहर में काढ़ा नहीं दिखाई दे रहा, वजह? पहले मैं अपने कोविड सेंटर के बारे में जानकारी दूंगा। ये निर्णय जिला प्रशासन का होता है। जिला प्रशासन ने पिछले कोरोना की लहर में सबसे पहले हमारे चिकित्सालय को चुना था और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर DCCC हमारे बनाया, तो हम लोगों ने उसमें 30 मरीज भर्ती किए थे और 30 के 30 12 से 14 दिन के अंदर वो निगेटिव होकर घर जा चुके थे। तो एक महीने वो सेंटर हमारा चला था। किन्हीं कारणों की वजह से, उन कारणों की जानकारी हमको नहीं दी गई, और कारणों से वो बंद करके चिरौला कॉलोनी स्थित दूसरे सेंटर में बना के वहाँ शिफ्ट किया गया था। आयुष विभाग मध्य प्रदेश ने और हमारे खासतौर से महाविद्यालय ने रीवा शहर के अंदर कोरोना महामारी से बचने के उपाय के संदर्भ में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी पावर इसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने डोर टू डोर घर घर जाकर कुछ औषधियाँ और काढ़े का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने, हमारे जूनियर डॉक्टर, हमारे स्टाफ ने, सभी डॉक्टर्स ने मिलकर किया था, और उसके सकारात्मक परिणाम ये देखने में आए थे कि केसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे और जो भी मिलते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। उसके बाद एक प्रक्रिया और चली कि पॉजिटिव केसेस में हम लोग को हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आरोग्य कसायम नामक एक काढ़ा प्राप्त हुआ था। वो पॉजिटिव केसेस के लिए हम लोग ताजी बनाकर कोविड सेंटर पर पहुँचाते थे और उनका मरीजों को हम लोग सेवन कराते थे, तो वो भी लगभग 12 से 13 14 15 दिन के अंदर जो है वो निगेटिव होकर घर जाते थे। जिन सेंटर पर वो काढ़ा नहीं पहुँचाया गया, वो देखा गया कि वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए और देर से ठीक होते थे, ऐसा देखना है। जैसा कि आपने पूछा कि इस वर्ष क्या तैयारी है, तो इस वर्ष भी आयुष विभाग हमारा मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो आता है उसमें आरोग्य कसायम फिर से हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। आज मेरी बात हुई है तो 3 से 4-5 दिन के अंदर जो आरोग्य कसायम प्राप्त हो जाएगा, और इस साल इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कोविड सेंटर पर न करते हुए होम आइसोलेशन पर जो इस समय शासन जोर दे रहा है, होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम लोग ड्राई पाउडर पहुंचाएंगे घर घर, जो पॉजिटिव केसेस हैं, और उनको फिर वो घर में बनाकर उसका सेवन करेगा और जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। पिछले बार जिनको हमने दिया था 12 से 13 दिन में ठीक हो गए थे, लेकिन इस बार अभी तक हमने एक भी काढ़े नहीं माने। एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, जैसा कि मेरी जानकारी है पिछले बार संजय गांधी अस्पताल में आपने काढ़ा देने की कोशिश की थी, उनने लेने से इनकार किया था, तो क्या इस लड़ाई को आयुर्वेद एलोपैथी देखा जाए, या ये देखा जाए कि आप वो मानते हैं, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ ये मानता है कि आपका काढ़ा किसी तरीके का काम करेंगे? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ ये जरूर बोला कि उनके कुछ लीगल एक्शंस होते हैं जिस पे कि इसमें एथिकल कमेटी से वो पास करा के फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और शायद हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, उसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन इस वर्ष कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई और कलेक्टर साहब ने पॉजिटिवली मुझे बोला कि नहीं, आप काढ़ा लेके आइए, हम बटवाएंगे संजय गांधी में भी। तो उस कलेक्टर साहब को खुद स्वयं जो है उस काढ़े को लेकर वो चिंतित हैं कि जल्दी से जल्दी वो काढ़ा आए, और संजय गांधी में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वर्ष डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो। जिला प्रशासन चिंतित है काढ़े को लेकर, वो चाहता जल्द से जल्द काढ़ा आए और रीवा शहर में बांटा जाए, जिससे रीवा शहर के लोग इस भयंकर बीमारी से निजात पा सकें। सर, कई बार एक सवाल आपसे पूछा गया, ये जो आप काढ़ा बांटते हैं इसमें क्या होता है खास, और क्या क्या किस तरीके से इसको बनाते हैं, इसमें क्या क्या मिलाते हैं? हालांकि ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया, हमारे दर्शकों को एक बार जरा फिर से बता दीजिए। इसमें कुछ कंटेंट्स हैं, जिसमें मुख्य कंटेंट इसमें गिलोय है। गिलोय हम सभी लोग जानते हैं कि व्याधि क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें हरितकी है, भूमि आमलकी है, और त्रिकटु के जो कंटेंट होते हैं, अरे वो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 6-7 चीज़ें इसके अंदर मिली हुई है, और इसको 200 ग्राम पानी में 1 चम्मच मिला के इसको बनाया जाता है, और 100 ग्राम बचने पर इसको उतार कर हम लोग छान कर पिलाते हैं। ये इसका एक्शन होता है इसमें, मतलब मेन मुख्य घटक इसमें जो है त्रिकटु और गिलोय है। गिलोय सभी लोग जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी औषधि है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ा देते हैं जिससे
श्वसन में प्रॉब्लम नहीं होती और पेशेंट जल्द ठीक हो जाता है, कुछ इस तरीके से कहना था यहाँ पर के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ जी का, जिनका साफ तौर से कहना कि हम बहुत जल्द काढ़ा उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो घर में आइसोलेट है, काढ़े की वजह से उनकी ठीक होने की क्षमता पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।